नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्लोनिंग के बारे में समझाने जा रहा हूँ। जैसा आधुनिक विज्ञान बोलता है कि क्लोनिंग बहुत ही आधुनिक पद्धति है, क्लोनिंग का अर्थ होता है कॉपी करना। वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गेनिजम्स बाय माइटोटिक डिवीजन, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। क्लोनिंग एक तरीका है जिसको कि हम समसूत्री विभाजन के द्वारा एक नया जीव पैदा करते हैं। और आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। महाभारत कालीन जो कौरव 100 जिनको आप कौरव बोलते हैं, में से दुर्योधन और दुशासन के नाम तो हमने सब सुने, परंतु बचे हुए जो 98 कौरव थे वो, उनके बारे में नाम तो बहुत मुश्किल है जानना। और मैं आज प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि वो 98 कौरव क्लोनिंग के द्वारा पैदा हुए थे, क्लोन थे मतलब। और वो क्लोनिंग का कैसे आपको मैं प्रूव करूंगा ये समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। जो क्लोनिंग एक पद्धति थी, आज की नहीं है, ये प्राचीन समय में भी थी और लोग अपने सिमिलर जीव बनाने के लिए समाज में भिन्न भिन्न तरह से उत्पाद या अराजकता पैदा करने के लिए उसका उपयोग करते थे। तो रावण के 10 सिर या ऐसी कई मान्यताएं हमारे प्राचीन समय में हमने पढ़ रखी हैं। हम चाहते हैं कि क्लोनिंग को अब इस तरीके से किया जाए कि अगर उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में फायदे हो या मनुष्य के जीवन को सुधारने के लिए अगर उसका उपयोग किया जाए तब तो बहुत ठीक है। पर महाभारत कालीन जो कौरव की कथा हम पढ़ते हैं, और मैं आज उसको कहना चाह रहा हूँ कि वो क्लोन थे। कैसे क्लोन थे? क्योंकि अगर आप एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट लेके चलें, कोई भी जो मासिक शुरू होता है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं लड़की का, तो वो 15 साल की उम्र में शुरू होता है और यह ख़त्म होता है लगभग 50 साल, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। अब इस पूरे अवधि का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये करीब 35 साल का होता है। और अगर हर साल भी एक माँ एक बच्चे को पैदा करती है तो 35 बच्चे ही पैदा कर पाएगी। तो अगर गांधारी जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, दुर्योधन की माँ जो गांधारी थी, अगर हम ट्विंस की प्रोबेबिलिटी, वैसे तो 50% होती है, जुड़वा पैदा होने की 50% संभावना होती है, अगर वह दो बच्चे भी पैदा करती हर साल तो 35 के डबल कितने होते हैं, 70 बच्चे ही पैदा हो पाते। फिर वो 98 कौरव कहाँ से पैदा हुए जिनको महाभारत काल में गांधारी के पुत्र बताया जाता था? यह बात बिल्कुल प्रूफ करी गई है, हमारे पास उसका साहित्य नहीं है, परंतु गांधारी के जो 98 दुर्योधन और दुशासन को छोड़ के कौरव थे वो क्लोनिंग के द्वारा पैदा किए गए थे जिनको पांडु पुत्रों के विरोध में लड़ाया जा सके। तो हमारा जो प्राचीन विज्ञान था इतना उन्नत था, हमारी दादी नानी, हमारे जो आप पहले समय में, आजकल ये स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है जिसको हम बोलते हैं कि बड़े बड़े बैंक में हम अपने स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके रखें, जिनको कि हमारे कभी एक्सीडेंटल आकस्मिक चिकित्सा, हमारा कोई अंग का टूट जाए या उसकी क्षति हो जाए, चाहे वो बाहरी रूप में स्किन हो या आंतरिक कोई लीवर का पार्ट हो, लंग्स के हो, किडनी के हो, हार्ट के हो, ब्रेन के टिश्यूज़ हो, उनको बनाने के लिए स्टेम सेल्स बड़ी टेक्नोलॉजी है। हम इसी तथ्य पर थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाहते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में माताएं, दादी नानी अभी भी क्षय करती हैं, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ड्राई स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन इज अवर एंशियंट टेक्निक। द स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन इज द लेटेस्ट टेक्निक, बट ड्राई स्टेम सेल्स इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वह अभी भी चल रही है। और यह पद्धतियाँ हमें इतना एक्सप्लोर करना है जिससे कि जन सामान्य में अगर क्षति कभी होती है, हम उस ड्राई स्टेम सेल्स को रिजुवेनेट करके पूरा ऑर्गन, नया ऑर्गन तैयार कर पाए। धन्यवाद।